हर हर महादेव। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो में। आज हम जानने वाले हैं कि सपने में दो मुंह वाले सांप को देखना कैसा होता है, या सपने में जुड़वा सांप देखना क्या मतलब होता है। दोस्तों, हमारे भारत के कई इलाकों में दो मुंह का सांप पाया जाता है, जिसका एक मुंह मोटा और बड़ा होता, दूसरा मुंह पूंछ की जगह होता है। वो छोटा और पतला होता है, जिसे बोलचाल की भाषा में दोमी या पिवना कहा जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमसे जुड़े रहे। इसके साथ भी बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं और उन्हें सच्चे मन से पूजते, तो कमेंट बॉक्स में जय भोले शंकर के साथ अपने माता पिता का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके माता पिता पर उनकी दया दृष्टि बनी रहे। अगर आप सच्चे मन से शिव जी को पूजते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि शिव जी को भोले बाबा कहते हैं, क्योंकि वो हर किसी के मन की पुकार सुन लेते हैं। धार्मिक इतिहास के अनुसार उन्होंने दानवों तक की पुकार को सुना था। सपने में अगर आपको दो मुंह का सांप दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि जल्द ही आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होने वाला है। अगर आपको दो मुंह वाला सांप सपने में काट लेता है तो इसका मतलब है कि आपको शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की हानि होने वाली है। अब बात करते हैं सपने में दो मुंह वाला काला सांप देखना कैसा होता है। सपने में आपको एक ऐसा काला सांप दिखाई देता है जिसके एक नहीं बल्कि दो सर होते हैं, उसकी गर्दन पर दूसरी गर्दन भी जुड़ी होती है, तो ये सपना आपके लिए उन मुद्दों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें आप लपेटे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपको सपने में दो सर वाला काला सांप दिखाई देता है तो ये सपना दूसरे लोगों के लिए भी चेतावनी है, क्योंकि ये दूसरे लोगों के लिए मानस का काम करता है। लाल किताब के अनुसार सपने में जुड़वा काला सांप लैंगिकता का प्रतीक भी माना जाता है। कई बार ये सपना संदर्भित संभोग को भी दर्शाता है। इसके अलावा ये सांप झुंझलाहट को भी दर्शाता है। अगर आप सपने में दो सर वाले सांप से डरते हैं तो ये सपना आंतरिक रूप से छिपी हुई चिंता को प्रदर्शित करता है। अगर आप एक कठिन परिस्थिति में है तो सबसे पहले उस कठिन परिस्थिति पर विचार करें। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास और मान सम्मान बढ़ेगा। इसके साथ उभरने वाली चिंता भी खत्म हो जाएगी। अगर आप सपन में दो सर वाले काले सांप की पूजा कर रहे होते हैं तो ये सपना आपके ज्ञान में सुधार का संकेत देता है, कि जल्द ही आपके ज्ञान में ऐसा सुधार होगा जैसे के चलते हुए आप ऐसी कला सीखेंगे जिससे आप दुनिया को चौंका देंगे। इस सपने के बाद आपको लोगों की सहानुभूति भी मिलेगी। अब बात करते हैं सपने में दो काले सांप देखना कैसा होता है। नमस्कार दोस्तों, आपको एक साथ दो काले सांप दिखाई देते हैं तो ये सपना आपके लिए शुभ संकेत देता है। ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपको नया रोजगार मिलने वाला है, जिसके चलते आने वाले दिनों में आप काफी बचत इकट्ठी कर लेंगे। आने वाले दिनों में आपके पास बहुत सारा धन इकट्ठा होगा। अगर काले सांप बहुत ज्यादा चमकीले होते हैं तो ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में तरक्की देखने को मिल सकती है, जिसके चलते हुए आपके सारे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। अब बात करते हैं सपने में दो सांपों का काटना कैसा होता है। दोस्तों, आप सपने में देखते हैं कि आपको एक साथ दो काले सांप काट लेते हैं तो ये सपना आपके लिए अशुभ संकेत देता है, जिसके अनुसार आपकी संपूर्ण बीमारी फिर से ताजा हो जाएगी। अगर आपको सपने में दो काले सांप पूर्ण रूप से जख्मी कर देते हैं तो ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपको ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा जिसके चलते हुए आपका हर काम विफल होगा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भोले बाबा की।